बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मशहूर शनवारी की बीफ कढ़ाई। गाइस ये बहुत ही अच्छी बनती है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए सामान नोट कर लेते हैं। मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, उसको धोकर साफ कर लिया है। ये आधा किलो टमाटर है मैंने कट कर लिए हैं। कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, मैंने इसको भूनकर थोड़ा सा कूट लिया है दरदरा सा। ये है साबुत धनिया 1 टीस्पून, ये है काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/1 टीस्पून। गाइस मैंने धनिया को भी थोड़ा सा कूट लिया है, दरदरा सा कर लिया था। मैंने एक कुकर में जो है आधा कप ऑयल डाल दिया है, इसको गरम कर लिया है। सबसे पहले हम गोश्त इसमें ऐड करेंगे और गोश्त के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को हमें फ्राई करना है अच्छे से, जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और गाइस मीडियम फ्लेम पर हमें इसको बनाना है और ये 2 मिनट लगे हैं तकरीबन इसको फ्राई होने में। ये देख सकते हैं आप गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से मिल जाए। ये देखिए गाइस टमाटरों ने भी अपना पानी रिलीज़ करना शुरू हो गए हैं ये। और अब मैंने इसमें जो है कुटी हुई मिर्च और नमक ऐड कर दिया है, ये देखिए। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। बस अभी हमें जो है यही मसाले ऐड करने हैं और बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। अब मैंने कुकर को बंद कर दूंगी। 1 गिलास पानी इसमें ऐड करने के बाद देखिए गाइस मैंने कुकर को कर दिया है बंद। अब जो है तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए थे, हमारा गोश्त जो है गल चुका है। अब जो है हमें बस इसकी बुनाई करनी है थोड़ी देर। अब ये आप देख सकते हैं इसमें पानी नज़र आ रहा है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए तकरीबन पानी जो है खुश्क हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी इसमें और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद भी इसको हम मिला लेंगे। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ये बना ली तो गाइस आप लोग सारी कढ़ाई के जो है रेसिपियाँ भूल जाएंगे। गाइस हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह भूनेंगे ताकि हरी मिर्चें जो हैं थोड़ी नरम हो जाए और इनका फ्लेवर भी अच्छे से कढ़ाई के सालन में हमारे आ जाए। और ये देख सकते हैं तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, ऑयल नज़र आने लग गया है। इस स्टेज पर हमने जो ज़ीरा धनिया और काली मिर्च रखी थी वो ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद हमें बस तकरीबन 1 मिनट इसको जो है फ्राई करना है। ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है क्योंकि ये जो है मसाले ये इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये मसाले एंड में ही ऐड किए जाते हैं। तो गाइज़ ये देखिए हमारे जो है कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं जो है इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। गाइज़ हरा धनिया ऐड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक डिश आउट करके। गाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइज माशाल्लाह से हमारी शनवारी की बीफ कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है। गाइज ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी रेसिपी को कितना लाइक करते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपियाँ लेके आती हूँ और बहुत ही कम सामान से तैयार होने वाली। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।